जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे मानते हैं कि कोरोना नियंत्रण उपाय योजना के दौरान प्रशासन को कई तरह के अनुभव मिले हैं। खामियों के बारे में पता चला है, यही वजह है कि संभावना मुताबिक यदि जिले में कोरोना की सेकंड वेव आती है तो निपटने की तैयारी पूरी है। अब खुद को बचाते हुए अपना काम करने का वक्त आ गया है। पत्रकारों के साथ चर्चा में ठाकरे ने बताया कि कोरोना काल की शुरुआत में लोगों के मन में भय और भ्रम था, क्वारंटाइन के डर से लोग सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जनजागृति के साथ ही प्रशासनिक तैयारी भी पूरी हो गई है। कई तरह की खामियों का सामना करना पड़ा है। तमाम तरह के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि अब दिसंबर में कोरोना लौट कर भी आया तो प्रशासन मुस्तैद रहेगा। हालांकि इस तरह की नौबत आने की संभावना ही कम है, यदि हुआ तो भी इसकी तीव्रता कम होगी। जिले में सभी स्तर के अधिकारियों से दैनिक रिपोर्ट पर चर्चा की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सेकंड वेव जी है ती आता अपन सगळीकडनं वृत्तपत्रांमधून मीडियाच्या माध्यमातून आणि जगातला जो अनुभव आहे त्याच्यात समोर येते। आपल्या इथे येईल आणि ती तेवढी येईल वगैरे असलं काही नसतंय, परंतु प्रशासन म्हणून मागच्या म्हणजे ते सगळंच प्रशासन, वैद्यकीय प्रशासन, बाकीचं प्रशासन जे आहे आमचं, ते सगळ्यांनाच एक चांगला अनुभव मागच्या या 6-7 महिन्यातल्या अनुभवातनं आपल्या गाठीशी आहे आणि लोकांपर्यंत हे सगळ्या गोष्टी पोहोचवण्याकरता, लोकांना कोविडपासून दूर ठेवण्याकरता जे आपण प्रशासनसुद्धा तत्पर आहेत, त्यासोबतच जे आता माझे कुटुंब माझी जबाबदारी जे आता नवीन जे अभियान माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केलेलं आहे त्यामध्ये देखील सगळ्या सिव्हिल ऑर्गनायझेशन्स जे आहेत, वेगवेगळे मंडळ आहेत, युवक मंडळ आहेत, रोटरी आहे, असे क्लब्स आहेत जिथे सेवाभावी पद्धतीने लोक काम करू इच्छितात, ते सुद्धा आता पुढे आलेले आहेत। आणि म्हणून मला असं वाटतं की आमचा तर प्रयत्न असाच राहील नागपूरमध्ये की हा सेकंड स्पाईक आपल्या इथे येऊ नये, आणि त्या दृष्टीनेच आमचं सगळं नियोजनसुद्धा सुरू आहे। पण तो आलाही तरी त्याची जी त्याचं जे व्हॉल्यूम राहील तो कमी कसा राहील याच्यावर आमचं सगळं लक्ष राहतं। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज नागपूर।